नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। करण जौहर हिंदी सिनेमा के वो स्टार हैं जिनके टैलेंट से सभी वाकिफ हैं। 26 साल की उम्र में उन्होंने कुछ कुछ होता है जैसी ब्लॉकबास्टर फिल्म दी। पहली फिल्म से ही करण डायरेक्शन की दुनिया में छा गए, हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी। कुल मिलाकर कुछ कुछ होता है से करण की जिंदगी बदल गई थी। इससे उन्हें हिम्मत मिली और उन्होंने कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्म बनाने का प्लान कर लिया। करण की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया। ये करण की दूसरी हिट फिल्म थी, लेकिन शायद ही कोई ये बात जानता है कि K3G कभी खुशी कभी गम को लेकर वो काफी परेशान थे। इतना परेशान कि देश छोड़कर लंदन चले थे, लंदन जाने की तैयारी में थे। ये बात कई लोगों के लिए शॉकिंग हो सकती है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी अपनी किताब यानी कि एक अनोखा लड़का में किया है। ऑटोबायोग्राफी एक अनोखा लड़का में K3G पर बात करते हुए उन्होंने कहा थी, कुछ कुछ होता है उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग